नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करूँगा। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आपको झूठ जो है उसके क्या क्या बनता है और क्या फ़ायदे हैं। जूट, पटसन और इस प्रकार के पौधों के रेशे हैं। इसके रेशे से क्या बनता है? बोरी, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियाँ, निम्न बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। निम्न कोटि के कपड़े, कागज़ बनाने के काम आता है। जूट शब्द संस्कृत में जटा या जूट से निकाला समझा जाता है। यूरोप में 18वीं शताब्दी में पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यद्यपि वहाँ पर इस द्रव्य का आयात 18वीं शताब्दी के पूर्व से पाटा के नाम से होता रहा है। जूट के रेशे साधारणतः 6 से लेकर 10 फुट तक लंबे होते हैं दोस्तों, पर विशेष अवस्था में ये 14 से लेकर 15 फुट तक लंबे पाए जाते हैं। तुरंत का निकाला रेशा अधिक मजबूत, अधिक चमकदार, अधिक कोमल और अधिक सफ़ेद होता है। खुला रखने से इन गुणों का हास्य होता है। जूट के रेशे का विरजन कुछ सीमा तक हो सकता है, पर विरंजन से बिल्कुल सफ़ेद रेशा नहीं प्राप्त होता। रेशा आर्द्रता ग्राही होता है। 6 से लेकर 23% तक नमी रेशे में रह सकती है। जूट की पैदावार, फसल की किस्म, भूमि की उर्वरकता, अंतरालन, काटने के समय आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है। कैप्सुलैरिस का पैदावार जो है प्रति एकड़ जो है 10 से 15 मन, और ओलिटोरियस की जो है 15 से 20 मन प्रति एकड़ होती है। अच्छी जुताई से प्रति एकड़ तक आप 30 मन तक जो है इसकी उपज ले सकते हैं। जूट के रेशे से बोरा, हैरियन तथा पैकिंग के कपड़े बनते हैं। हाँ दोस्तों, आज जब सब जगह जो है प्लास्टिक की थैली का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है। तो आप जो है जूट की खेती करें, भविष्य इसका बहुत ही उज्ज्वल है दोस्तों, क्योंकि आगे प्लास्टिक बिल्कुल बंद होने वाला है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण और हम सब लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो आप जो है इसकी खेती कीजिए। इसकी खेती करेंगे तो इससे जो है कपड़े बनेगा, इससे जो रेशा बनेगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये एकदम प्राकृतिक है। तो दोस्तों, इसकी खेती भी कीजिए और ढेरों पैसा कमाइए। आगे आपको कमाई ही कमाई है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, घर की सजावटी चीज़ें बहुत सारी है, दरियाँ बनती हैं। अब दरियों के लिए जो है ये बहुत ही बढ़िया रहता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बोरा बनाने के काम आता है। जब आप जिस बहुत ही गांव क्षेत्र है वहाँ भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।